यौन शोषण, सेक्स स्कैंडल और सैकड़ों महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोपी जेडीएस नेता और हासन सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना आखिरकार कानून के हत्थे चढ़ गया है। खास बात यह रही कि रेवन्ना को हथकड़ी पहनाई भी महिला अफसरों ने। जर्मनी से शुक्रवार की सुबह जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड होता है, पहले से तैयार एसआईटी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल जांच के बाद रेवन्ना को एसआईटी ने कोर्ट में पेश भी किया। सूत्रों की माने तो एसआईटी प्रज्वल रेवन्ना को पॉन्टिसी टेस्ट कराने की भी मांग कर सकती है। इससे पहले जेडीएस से निष्कासित सांसद प्रज्वल रेवन्ना को मेडिकल जांच के लिए बोरिंग एंड लेजी कर्जन अस्पताल में ले जाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी रेवन्ना के लिए 14 दिनों की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट अमूमन 7 से 10 दिनों की कस्टडी ही देता है, लिहाजा एसआईटी को 7 दिनों की कस्टडी मिल गई है। प्रज्वल रेवन्ना बेहद मजबूत सियासी परिवार से आता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा रेवन्ना के दादा हैं। उसके पिता जो फिलहाल जेल में हैं, जेडीएस के बड़े नेता हैं। रेवन्ना पर आरोप लगते ही वो भारत से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में चला गया था, जिसके बाद रेवन्ना भी चुनावों का एक मुद्दा बन गया, खासकर कर्नाटक में। दरअसल प्रज्वल रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण किया और उनकी वीडियो भी बनाई। यही वीडियो जब इंटरनेट पर वायरल हो गई तो हंगामा मच गया। अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रेवन्ना ने हर उम्र, हर सामाजिक वर्ग की महिला के साथ शोषण किया, लेकिन पाप का घड़ा कभी तो फूटना ही था। रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 3 मामले पहले से ही दर्ज किए जा चुके हैं। जिन महिलाओं को सत्ता और पावर के नशे में रेवन्ना कुछ नहीं समझता था, आज उसकी गिरफ्तारी में तमाम महिला अफसर शामिल रही। रेवन्ना गर्दन झुकाकर बैठा था और उसके दोनों तरफ महिला अफसर बैठी थी। कानून के हत्थे चढ़ा रेवन्ना की सिट्टी पिट्टी गुम, सारी अकड़ गायब। 7 दिनों की कस्टडी में एसआईटी कोशिश करेगी कि रेवन्ना अपने गुनाहों को कबूल ले। हालांकि फिर भी अंदरखाने उसे ये भरोसा होगा कि जैसे वो हर बार बच जाता रहा है, इस बार भी वैसा ही होगा। प्रज्वल रेवन्ना के इस परिवारवाद से लेकर सत्ता के दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है। उम्मीद की जानी चाहिए कि रेवन्ना को अपने गुनाहों के लिए ऐसी सजा मिले जो सारे समाज के सामने एक नजीर की तरह पेश हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।